दोस्तों, लोहिया स्वच्छ अभियान फेज टू के तहत ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन को लेकर अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। कुछ पंचायतों में निर्माण कार्य पूरा भी कर लिया गया है। पंचायत के सभी वार्ड से जैविक और अजैविक कचरा से जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा। अजैविक कचरा यानी प्लास्टिक को रिसाइकिलिंग किया जाएगा। 15वीं वित्त आयोग से यह सब निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे प्रसंस्करण इकाई के लिए 5 लाख रुपया खर्च किया जाना है और यह मुखिया प्रतिनिधियों के द्वारा पूरा किया जा रहा है। इस प्रसंस्करण इकाई घर में एक स्टोर रूम, एक कार्यालय, शौचालय एवं चापाकल का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान से गांव को स्वच्छ और सुंदर निर्माण के साथ साथ जैविक खाद के निर्माण में भी वृद्धि होने वाली है और किसानों को इससे अच्छा लाभ भी मिलने वाला है। पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए योजनाओं पर पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष रूप से ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। स्वच्छता अभियान अंतर्गत धीरे धीरे बिहार में 8,067 पंचायतों में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस अभियान से लगभग बिहार में 2 लाख से भी अधिक सफाई कर्मियों की बहाली होने वाली है। इस तरह से पंचायत में कुछ लोगों को रोजगार का साधन मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान को पंचायत प्रतिनिधि, सफाई कर्मी और पंचायत वासियों के द्वारा सफल बनाया जा सकता है, जिससे सभी को लाभ पहुंचने वाला है, बशर्ते प्रतिनिधि को कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सफाई कर्मियों द्वारा जिम्मेवारी से कार्य होनी चाहिए और ग्राम पंचायत वासियों की सहभागिता होना चाहिए, तब जाकर यह अभियान सफल हो पाएगा। इस अभियान के सफल होने से 3 फायदे होने वाले हैं। एक तो गांव स्वच्छ और सुंदर होगा, दूसरा जैविक खाद का निर्माण होगा और तीसरा जैविक खाद की खेती से लोग जहरीली पदार्थों का सेवन करना कम करेंगे, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। यह जो अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई घर आप देख रहे हैं, यह पूर्वी चंपारण जिला के पहाड़पुर प्रखंड अंतर्गत कोटवा पंचायत के मुखिया लखन सिंह के द्वारा निर्माण कार्य किया गया है और इसी तरह से पूरे बिहार में निर्माण कार्य होना है। आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।